Assalamualaikum, hi and hello. Anuzara is here. और जनाब वर्ल्ड कप का सीज़न तो ऑन है, वर्ल्ड कप के मैचेस हम सब इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो एक और स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है कि जिसे आप और हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है हमारे जो पड़ोसी मुल्क के फैंस हैं वो उसे ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनका मुल्क जीत रहा है, मेडल्स जीत रहा है, आगे बढ़ रहा है। और जब आपका मुल्क जीत रहा होता है, आपकी टीम्स जीत रही होती हैं, तब बात ही अलग होती है। आज जनाब इंडिया को एक और खुशी मिली है, क्योंकि उनकी टीम का एक और जो मेडल है वो हो गया है जनाब कंफर्म, क्योंकि इंडियन टीम सेमीफाइनल्स में बांग्लादेश को बड़े ही आसानी से हरा कर पहुंच चुकी है फाइनल में। और हम जो सोच रहे थे अब से कुछ देर पहले, जब मुझे पता चला कि भाई जो इंडिया की टीम है वो फाइनली एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंच गई है, सो आई वाज थिंकिंग कि अब पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मैच है, और हमने कभी एशिया कप में तो पाकिस्तान का और इंडिया का मुकाबला फाइनल में होते नहीं देखा, लेकिन शायद नाउ इट विल बी द टाइम कि जब हम देखेंगे कि चलें एशियन गेम्स के अंदर ही पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स का मुकाबला हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जनाब हम तो जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं है, कुदरत का निज़ाम तो नहीं ना चल रहा आजकल, क्या करें हम लोग। सो जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सेमीफाइनल का मैच जो खेला गया उसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ी ही आसानी से हरा दिया और पहुंच गया है फाइनल में। यानी फाइनल में इंडिया और अफगानिस्तान की टीम एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी। अब अगर हम यहाँ पर इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें, सो इंडिया ने बड़ा अच्छा आज परफॉर्म किया। जयसवाल जो कि बड़ा अच्छा करते आ रहे हैं, आज उनकी विकेट जल्दी गिर गई। सबसे पहली बात तो ये कि उनके बॉलर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और फिर जो उनके बैटर्स हैं जैसे कि तिलक वर्मा हो गए, और जो उनके कैप्टन हैं ऋतुराज गायकवाड, आई थिंक मैं नाम से ही ले रही हूँ, सो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बड़ी आसानी से अपनी टीम को चौके छक्के लगा कर जनाब विक्ट्री के जस्ट करीब ले आए। और बॉलिंग के अंदर भी आप ये देखें कि इंडिया के जो बांग्लादेश की टीम है उसको उन्होंने 100 भी क्रॉस नहीं करने दिया। सो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही इंडिया की, और यकीनन फैंस काफ़ी खुश होंगे इंडियन टीम के कि दे आर जस्ट प्रोग्रेसिंग। बड़ी खुशी होती है जब आपकी टीम इस तरह से अच्छा परफॉर्म करती है और हर लेवल पर परफॉर्म करती है। सो जी यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं एक और मैच की कि जिसका अभी हमने दुखड़ा सुनाया है आपको, हमारे लिए तो दुखड़ा ही है जी, क्योंकि हमारी टीम तो हार गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच की बात करें तो अफगानिस्तान ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला किया, और अगर इससे पहले आप जो इससे पहले जो क्वार्टर फाइनल्स का मैच था पाकिस्तान और हांगकॉन्ग का, उसमें भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफ़ी अलार्मिंग थी, और एक वक्त पर ऐसे लग रहा था कि जो पाकिस्तान की टीम है ना शायद मैच हार जाएगी, लेकिन वो तो जनाब हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए यहाँ पे हमारे यंग टैलेंट का, आमिर जमाल का और मिनहास यासर मिनहास मेरे ख्याल से उनका नाम है, मैं चेक कर लेती हूँ जी, इरफात मिनहास का, कि जिन्होंने बड़ा अच्छा खेला वो नीचे से आकर और एक ऐसा टोटल बनाया कि जिसे वह फिर हमारे बॉलर्स ने बड़ा अच्छा डिफेंड भी किया। लेकिन आज जब हम देखते हैं सो पहले वाले मैच वाली ही कहानी रही है यहाँ पे। आप देखें बड़े बड़े नाम हमारी टीम के साथ भी हैं, अफगानिस्तान की टीम में भी हमने गुलबदीन नायब देखे, करीम जन्नत को हमने देखा उनके नए टैलेंट के साथ, लेकिन दे आर परफॉर्मिंग। अब हमारे यहाँ तो जो हमारे एक्सपीरियंस स्लॉट है यहाँ पर वो बस एक उल्टा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के बैठी हुई है। अगर आप इसके स्कोर कार्ड देखें तो हैदर अली हैं इसके अंदर, सबसे पहले उमैर बिन यूसुफ ने 24 बनाए, और ये जो 24 इनका स्कोर है ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है पाकिस्तान का इस मैच का। मिर्ज़ा बेग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो कैसे यहाँ पे पहुँचे हैं, किस तरह पहुँचाए गए हैं, मेरी समझ से बाहर है। कोई फर्स्ट क्लास का मैच, कोई लिस्ट ए का मैच इन्होंने नहीं खेला, वही रोना है हमारा कि आप शॉर्ट फॉर्मेट में परफॉर्म करते हैं और आप बड़ी आसानी से आगे पहुँच जाते हैं। सो जी जब आपका बैकग्राउंड नहीं होता है डोमेस्टिक का तो फिर ऐसी ही परफॉर्मेंस होती है कि जैसी इस टूर्नामेंट में मिर्ज़ा बेग की आई है। और जी रोहेल नज़ीर ने 10 बनाए हैं विकेट कीपर बैटर। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे सीनियर, जो कि दोबारा एक बड़ी प्लानिंग के तहत इनको भेजा गया कि शायद जो आगे T20 वर्ल्ड कप है उसमें अब ये कुछ परफॉर्म करें और अपनी जगह पक्की करें, क्योंकि नए जो लड़के हैं उनको तो हमने आगे आने देना ही नहीं है, वो तो बस जो है ना वो फर्स्ट क्लास में अपनी किस्मत आजमाने के लिए रह गए हैं। सो जी यहाँ पे हैदर अली जो कि पिछली दफ़ा भी नाकाम हुए थे इस टूर्नामेंट में, कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए हैं।
तो जी यहाँ पे हम देख लेते हैं खुशदिल शाह को, कि जिनको काफ़ी चांस दिया गया। बाबर को बड़ा ट्रस्ट था इनके ऊपर, हत्ता कि वर्ल्ड कप में T20 इनको लेकर गए थे और ये यहाँ पर फिर नाकाम हुए, 8 रन बनाकर आउट हो गए। और वो जो आसिफ अली हैं, बड़े हिटर्स, बड़ी हिट्स लगाया करते थे, वो हिट्स पता नहीं कहाँ पर चली गई हैं, शायद मेरे ख्याल से लीग्स के लिए रह गई हैं, क्योंकि 8 रन बना के आउट हो गए हैं। इससे पिछले मैच में भी कुछ नहीं कर पाए थे। लास्ट मैच में तो रफ़ात मिन्हास ने और आमिर जमाल ने आपको सेव कर लिया था। आज जो डबल फिगर में दाखिल हुए हैं वो ये नए लड़के ही दाखिल हुए हैं, उमैर बिन यूसुफ 24, रोहेल नज़ीर 10, आमिर जमाल जो हैं 14 और इरफात मिन्हास 13 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इन नए लड़कों ने सब कुछ करना था तो ये सीनियर यहाँ पे क्यों भेजे गए, किसने भेजे हैं? जो T20 के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं कि जिन्होंने कैरेबियन लीग में फाइनल जितवाया, एक बड़ी अच्छी नॉक खेली, साइम अयूब, वो कहाँ पर हैं? इसके अंदर इतने अच्छे ऑलराउंडर मुबस्सिर खान कहाँ पर हैं? आज़म खान जो कि दुनिया की लीग्स खेल रहे हैं वो यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं हैं? हसीबुल्ला, और अगर हम मोहम्मद हारिस का कंपैरिजन करें तो हसीबुल्ला इज़ फार वे बेटर देन मोहम्मद हारिस, जो कि जगह ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। रिजवान को वो, मैं पहले भी कहती हूँ कि रिजवान का BP कंट्रोल वो रखते हैं, इस वजह से वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। वो कितना एक्सपोज हुए, कैसे एक्सपोज हुए, ये हमने वार्म अप मैच में देख लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सो जी, हसीबुल्ला को आपने यहाँ पर नहीं आप लेके गए, और आप लेकर किसे गए? आसिफ अली को, हैदर अली को, खुशदिल शाह को, जो कि मुकम्मल तौर पर पहले ही फेल हो चुके हैं। जब तक आप लोग इसी तरह करते रहेंगे, नए टैलेंट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, जब तक आप इसी तरह से करते रहेंगे और जो क्राइटेरिया है उस पर जो लोग पूरा उतरते हैं उनको मौका नहीं देंगे, ये जो आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये अगर इसी तरह जारी रहेंगे तो इसी तरह से पाकिस्तान की चाहे नेशनल टीम है, चाहे आप की कोई लीग के अंदर आप परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पर मर्ज़ी आप परफॉर्म कर रहे हैं, जिस लेवल पर मर्ज़ी, आप इसी तरह नाकाम होते रहेंगे। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, शायद कुछ हार्श वर्ड्स भी यहाँ पे यूज़ हो जाएं, लेकिन जब इस तरह से आप हारते हैं और बिला वजह ज़बरदस्ती एक पूरी प्लानिंग के तहत हारते हैं ना, तो फिर दिल दुखता है। सो जी, यहाँ पे अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, तारीफ़ बनती है जी अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान की अगर हम बैटिंग की बात करें, सो बैटिंग भी उन्होंने बड़ी अच्छी की है। आप देख लें कि उनके जो नूर अली जदरान हैं उन्होंने 39 रन बनाए हैं, और जो टीम के कैप्टन हैं गुलबदीन नायक, उन्होंने 26 रन बनाए, कैप्टन नॉक खेली, और जी अब बड़ी आसानी से तकरीबन आई थिंक 13 बॉल्स अभी रहती थी, वो आसानी से मैच जीत के ले गए। उन्होंने शेकेंड किया पाकिस्तान से, टाटा बाय बाय किया, और जी अब वो पहुंच गए हैं फाइनल में। सो ये है करीम जन्नत, ये है गुलबदीन नायब, कि जिनके पास अगर एक्सपीरियंस है तो उन्होंने वहाँ पे प्रूव किया है, उल्टा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर नहीं बैठे हुए। सो जी बड़ा ही मुबारक हो इंडिया को और अफगानिस्तान को कि वो फाइनल खेलने जा रहे हैं, और जो दोनों टीम्स हैं वो मेडल की लिस्ट, एक मेडल तो उनका कंफर्म हो गया है, अब देखते हैं कौन सी टीम लेकर जाएगी गोल्ड मेडल अपने घर। बेस्ट ऑफ लक दोनों टीम्स के लिए मेरी जानिब से होगी। आपसे फिर मुलाकात, टिल देन अल्लाह निगहबान।